टुडे आई विल डिस्कस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली मेजरमेंट्स मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट्स मीन्स होता है कंपेयर करना। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया, हाइट हो गया, या फिर मास हो गया, इस क्वांटिटी को जब आप कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से या फिर प्रोटोटाइप मॉडल से, तो जो कंपेयर करने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट्स। और जो कंपेयर करने का जो मेथड है उसी मेथड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। जनरली दो मेथड हम यूज करते हैं मेजरमेंट्स के लिए। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और सेकेंड है इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड्स को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मेथड में होता है जहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। जैसे डेफिनेशन देखते हैं, इन डायरेक्ट मेथड्स द अननोन क्वांटिटी इज डायरेक्टली कंपेयर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड। जहाँ पे हम कोई भी जो आपका प्रोडक्ट है उसको हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड डेटा से, तो वो प्रोसेस हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका लेंथ हो गया या फिर मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो इन क्वांटिटी को जब हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो ये जो कंपेयर करने का जो मेथड्स है ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। अब देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे हम लेंथ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और 10 mm या फिर 20 inches का जो आपने प्रोडक्ट बनाया, जब हम उसको किसी स्टील रूल वगैरह से जब हम डायरेक्ट क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं, जैसे ये आपका क्या हुआ, जैसे ये आपका स्टील रूल है, अब डायरेक्ट जब इस लेंथ को डायरेक्ट स्टील रूल से आप क्या करेंगे उसके डायमेंशंस को मेजर करते हैं, तो यही आपका जो मेजर करने का जो मेथड्स है ये आपका कैसा है, डायरेक्ट मेथड। तो क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका किस में आएगा, डायरेक्ट मेथड्स में। देखिए डायरेक्ट मेथड्स में आपको जो पॉइंट्स है, जो दो इंड पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट आर अप्रोचेबल। जैसे आपको 10 mm का कोई प्रोडक्ट है तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट वो आपके एक्सेस में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट 2 किलोमीटर है तो वो आपके एक्सेस में नहीं है। तो जनरली डायरेक्ट मेथड वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे दो पॉइंट वो अप्रोचेबल हो, जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर का। यदि आपको कहीं डाया मेजर करना हुआ, या फिर इंटरनल डाया, या फिर एक्सटर्नल डाया, या फिर डेप्थ मेजरमेंट करना हुआ, तो इन सब में जनरली हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। तो सेम मेथड्स है, ये भी आपका वर्नियर कैलिपर कैसे किस में आता है, डायरेक्ट मेजरमेंट्स में आता है, क्योंकि वहाँ पे भी आप डायमेंशंस को, चाहे उसका डायमीटर हो या फिर इंटरनल डायमीटर हो, आप इजीली क्या कर सकते हैं उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो दो पॉइंट हो वो अप्रोचेबल होना चाहिए, मीन्स आप उसमें पहुँच सके। देखिए अप्रोचेबल का सेंस ये है कि वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप इजीली उन दो इंड पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट और इंड पॉइंट को, जैसे 10 mm का आपका ब्लॉक है तो जब आप स्टील रूल से जब मेजर करेंगे तो 0 से लेकर 10 mm आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप स्टील रूल से उसको इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सेम आपका डायरेक्ट मेथड में भी है, यहाँ पे भी आप जैसे वर्नियर कैलिपर के हेल्प से आप एक्सटर्नल या फिर इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड बेसिकली यही है कि जहाँ पे आप दो कोई भी डायमेंशंस हो या फिर कोई भी पैरामीटर्स हो, आप डायरेक्ट क्या कर सके उसको कंपेयर कर सके स्टैंडर्ड से। अब डायरेक्ट मेथड्स में एक तो आप एडवांटेज देखेंगे तो कई इसके एडवांटेज है। पहला तो बहुत फास्ट मेथड है और एक तरीके से ईजिली आप क्या कर सकते हैं उसको मेजर कर सकते हैं। पर देखिए डायरेक्ट मेथड में हमेशा ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, तो जहाँ पे भी ह्यूमन इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसमें आपका कैसा है, लेस एक्यूरेट है, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसके कारण आपको एक्यूरेसी जो मिलेगी वो हमेशा कम मिलेगी। जैसे आप एक स्केल से मैं मेजर कर रहा हूँ तो हो सकता है 10 point something mm आए, दूसरा कोई मेजर कर रहा है तो थोड़ा सा डेटा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो डायरेक्ट मेथड्स में आपको एक्यूरेसी कैसे मिलेगी, हमेशा कम मिलेगी, प्रिसाइज भी कम रहेगा। जब बार बार आप टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे उसकी रीडिंग क्या आ रही है, आप सेम वर्कर के लिए ही रीडिंग क्या हो रही है, चेंज आ रही है। हाँ वो माइन्यूर हो सकता है बट चेंजेज आएगा, क्यों, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है। सेकेंड, यदि सेम क्वांटिटी को डिफरेंट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है या फिर मेजर्ड कर रहा है तो भी आपको रीडिंग क्या होती है, अलग अलग आएगी। तो इसलिए जब आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है, आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, प्रिसाइज नहीं मिलेगा और डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक अब आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड। देखिए इनडायरेक्ट मेथड्स में यहाँ पे हम डायरेक्ट चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस में आपने देखा था डायरेक्ट मेथड्स में, जैसे किसी ब्लॉक को हमको डायमेंशंस मेजर करना हुआ तो आप डायरेक्ट स्टील रूल या फिर वर्नियर कैलिपर से इजीली आप क्या कर सकते हैं
उसके डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। बट इन डायरेक्ट मेथड्स में हम डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले मेजर करेंगे, फिर उसके जो डेटा मिलेगा उसको आप एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम डिस्प्ले डिवाइस में देखते हैं, वहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलता है बहुत ही प्रिसाइज मिलता है। वो कैसे मिलता है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इन डायरेक्ट मेथड मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ ट्रांसड्यूसिंग डिवाइस विच कन्वर्ट द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इनटू एन एनालॉग सिग्नल। द एनालॉग सिग्नल इज द प्रोसेस बाई इंटरमीडिएट डिवाइसेस एंड डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को सेंस करेंगे, फिर हम एनालॉग सिग्नल से उसको डिस्प्ले डिवाइस में चेंज करते हैं। जैसे हम ब्लॉक डायग्राम से इसको देखते हैं, जैसे ये आपका कोई मेजरेंड क्वांटिटी, मेजरेंड उसको बोलते हैं जिसको हमको मेजर करना हुआ, या फिर जिसकी डायमेंशंस, या फिर जिसको हम बोलते हैं अननोन क्वांटिटी। अब जब आप मेजर करते हैं उसको भेजते हैं हम एनालॉग सिग्नल में, जो कि कन्वर्ट करता है उस डेटा को एक सिग्नल फॉर्म में, और उसके बाद हम यूज करते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस। यदि आप तीनों को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो मेजरेंड आपका होता है अननोन क्वांटिटी, एनालॉग सिग्नल आपका कैसा है, एक तरीके से कन्वर्टर है, या फिर क्या कहते हैं ट्रांसड्यूसर। देखिए ट्रांसड्यूसर एक मैकेनिज्म होता है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करता है। यहाँ पर वो क्वांटिटी को सिग्नल फॉर्म में चेंज कर रहा है और डिस्प्ले डिवाइसेस में आप उसको देख रहे हैं। तो चलिए, यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो इसको हम बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन इसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आपने किसी फॉर्च्यून शॉप वगैरह पे देखा होगा, जैसे देखिए इस तरीके की एक मशीन होती है। एक आपने देखा होगा वेट, जो जनरली ठेले वगैरह वाले जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एक साइड आपका वेट रखते हैं, सेकंड साइड आपका जो भी आप चीज़ें परचेज करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह हो गए या फिर चीज़ें, उसके बाद क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो वो आपका डायरेक्ट में आ जाएगा, बट जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये आपका किस में आएगा, इनडायरेक्ट मेथड्स में। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो कंपेयर डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। जब आप क्वांटिटी को रखते हैं तो आपको डिस्प्ले होता है, क्लियर है कि नहीं। सेम मैकेनिज्म वाला है द्वारा, जैसे मेजरमेंट हो गया, एनालॉग सिग्नल हो गया और डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, क्लियर है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमेशा आपको एक्यूरेसी कैसी देती है, बेस्ट देती है। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में हम डायरेक्ट ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ पे हम सेंसर की हेल्प से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से जब हम कोई भी चीज़ें मेजर करते हैं तो वो आपका किस में आता है, इनडायरेक्ट मेथड्स में। इनडायरेक्ट मेथड्स का एक और इसको आप कह सकते हैं कि जहाँ पे जो पॉइंट है वो एक्सेसिबल नहीं होता, जैसे दो पॉइंट है। देखिए डायरेक्ट मेथड्स में आपने देखा था दो पॉइंट कैसा हो, एक्सेसिबल हो, तो इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे दो पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो लेजर वगैरह की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को कवर करते हैं या फिर मेजर करते हैं, तो क्लियर है कि नहीं। तो इन दोनों में आपको आई थिंक डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट मेथड्स क्या है और इनडायरेक्ट मेथड्स, और दोनों में डिफरेंस क्या है, और कहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड्स यूज करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स हम कहाँ पे यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी बहुत बेस्ट मिलेगी, क्लियर है कि नहीं। सेकेंड आप एक्यूरेसी देखेंगे, एक्यूरेसी भी आपको बेस्ट मिलेगी। प्रिसीजन वगैरह देखेंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट के कंपेयर में बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। तो ये दो मेजर कंपेयर करने के दो मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स। थैंक यू।